या हियर यू विल गेट व्हाट, हियर यू विल गेट कि वी आर गोइंग टू कवर व्हाट, वी आर गोइंग टू कवर एज ऑफ जॉन मिल्टन, एज ऑफ जॉन मिल्टन। रिमेंबर दैट जब आप एज ऑफ जॉन मिल्टन की बात करेंगे तो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एज ऑफ जॉन मिल्टन का मतलब है सीधे सीधे 1625 से लेकर 1660 तक। दिस इज व्हाट, दिस इज एज ऑफ जॉन मिल्टन। एज ऑफ जॉन मिल्टन मीन्स 1625 से लेकर 1660। ये जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है 1625 से 1660, इसी को हम एक और नाम देते हैं आर प्यूरिटन एज, ओ आर, आर P U R I T A N, प्यूरिटन एज। इसी का दूसरा नाम प्यूरिटन एज है। इसका मतलब कल जब मैंने आपको एज पढ़ाया था तो कल मैं क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एज पढ़ाया था, एक आपका कॉमनवेल्थ पीरियड था और एक आपका कैरोलिन एज था। कैरोलिन एज 1625 से 1649 तक था और जो 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 कॉमनवेल्थ पीरियड था वो 1649 से 1660 तक था। तो जो एज ऑफ जॉन मिल्टन है या जो प्यूरिटन एज है, इसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। यू कैन डिवाइड इट इंटू टू पार्ट, आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वह दो हिस्सा कौन होगा, एक आपका कैरोलिन एज, CAROLINE, कल इसकी पूरी हिस्ट्री बताई जा चुकी है 1625 से 1649। कैरोलिन एज के जो किंग थे कौन थे, कैरोलिन एज के जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट थे। चार्ल्स फर्स्ट को लैटिन में कैरोल कहा गया, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, कैरोलिन एज इनके नाम पे रखा गया। दूसरा चीज जो आपको बताया गया है कैरोलिन एज के अलावा, एक और एज है जिसका आपको मैंने बताया था कॉमनवेल्थ पीरियड, COMMON, कॉमनवेल्थ, WEALTH, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660, इसका मतलब इन दोनों एज को मिला करके ही हम एज ऑफ जॉन मिल्टन कहेंगे, या इन दोनों एज को मिला करके ही हम जो है क्या कह सकते हैं, प्यूरिटन एज कहते हैं। एज ऑफ जॉन मिल्टन क्यों कहा गया, बिकॉज मिल्टन वॉज द लीडिंग पोएट। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये पहले से पता है कि अगर किसी पोएट के नाम पर उसको रखा जा रहा है तो वह उस एज का क्या होगा, वह उस एज का कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक लीडिंग पोएट रहा होगा, WEALTH। सो यू विल कम टू नो कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि कॉमनवेल्थ पीरियड ये बताया जा चुका है पहले के स्लाइड में, प्यूरिटन एज है या कैरोलिन एज है, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। नाउ अब अगर आप एज ऑफ जॉन मिल्टन के बारे में बात करेंगे तो पॉलिटिकल सिचुएशन, यस्टरडे आई शेयर्ड विद यू वो कौन कौन सा सिचुएशन था, थिएटर वॉज बैंड इन 1642, सिविल वॉर वॉज स्टार्टेड बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट 1642, प्रेस वॉज सेंसरशिप इन 1643, चार्ल्स फर्स्ट वॉज एसैसिनेटेड इन 1649, एंड आफ्टर द एसैसिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हु रूल्ड ओवर इंग्लैंड, दैट वॉज ओलिवर क्रॉमवेल फ्रॉम 1649 टू 1658, उसके बाद आपके रिचर्ड क्रॉमवेल फ्रॉम 1658 टू 1660, एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर द एसैसिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकेंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस एंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड इन 1660, एंड दिस इज वाई दैट पीरियड इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। तो ये सारी कहानी कल मैं आपसे बता चुका हूँ, जो रियल घटना हुई होगी उस जमाने की, उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस एज में क्या, और लिटरेचर में कल एक ही बात हो पाई थी, वह क्या हुआ था, कैवालियर पोएट्स, और कैवालियर पोएट्स एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था जो अपने आप को सन ऑफ बेन के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने आपको टॉमस केरू का नाम, लवलेस का नाम, सकलिंग का नाम, रॉबर्ट हेरी का नाम, इन सब का नाम बताए थे, और जिसमें एक कॉन्सेप्ट था कार्प डीम या सीज द डे का कॉन्सेप्ट था। वो सब चीजें हैं, ये तो छोटी छोटी बातें होती रही हैं, लेकिन अगर जो है इस एज में जॉन मिल्टन की बात नहीं की जाएगी, जॉन बनियान की बात नहीं की जाएगी, तो समझ लीजिए कि सारी की सारी चीजें अधूरी रहेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो जॉन मिल्टन एज एन आथर नहीं बात करने जा रहा हूँ, जॉन मिल्टन को मैं केवल एज अ
जितना बात हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से किया जाना चाहिए मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ। तो अगर इस एज में हमें जिन राइटरों को जानना है थोड़ा बहुत, उनमें से एक राइटर कौन है, उनमें से एक राइटर आपके दैट इज हु, दैट इज अ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन मिल्टन यू विल कम टू नो, जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो जो है आपका 1608 ईस्वी में हुआ है, इनकी जो डेथ हुई है वो 1674 ईस्वी में हुई है। कुछ कॉमन पॉइंट्स जो आपको भी पता है, जो हमें भी पता है, वो मैं लिखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज की, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जॉन मिल्टन, ही इज नोन एज द इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा, बहुत ही कॉमन पॉइंट। नंबर वन पॉइंट, नंबर टू पॉइंट, ही इज ऑल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, ऑल्सो नोन, ही इज ऑल्सो नोन एज बिलेटेड, एक शब्द बिलेटेड रहेगा, एलिजाबेथन पोएट। ही इज ऑल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट, उनको जो है क्या कहा जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एज, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट एज, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ही इज ऑल्सो नोन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा पॉइंट है, When you go with this point, he is also known as belated Elizabethan poet. तो उनको belated Elizabethan poet क्यों कहा जाता है? Because he had what he was fond of music. उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, इस वजह से जो है उनको belated Elizabethan poet कहा जाता है। और म्यूजिकल पोएम्स या यूज ऑफ म्यूजिक इन द पोएम वॉज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। दूसरा चीज, एक और चीज जो है ध्यान में रखना है, he is नोन एज लेडी ऑफ क्रिस, एज लेडी ऑफ क्रिस, सी एच आर आई एस टी, बिकॉज ऑफ कर्ली हेयर, बिकॉज ऑफ कर्ली हेयर एंड वुमेनिस नेचर, वुमेनिस नेचर। नाउ ये जितने भी पॉइंट्स हैं, एक आप देखेंगे कई बार पूछा जा चुका है, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ही इज ऑल्सो नोन एज बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, अगर कोई कहता है क्यों, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और कहीं ना कहीं उनको म्यूजिक का शौक था इस वजह से, और उनको क्या कहा गया, लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया, बिकॉज ऑफ कर्ली हेयर एंड वुमेनिश नेचर, इतना सारा चीजें। नाउ ये कितना स्लाइड था, थ्री पॉइंट हुआ था। नाउ फोर्थ पॉइंट में एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, उनकी पोइट्री में रिनेशा के साथ साथ स्पिरिचुअलिस्टिक या रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर है। इन हिज पोइट्री वी फाइंड द स्पिरिट ऑफ रिनेशा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द स्पिरिट ऑफ रिनेशा, दिल्ली सबॉर्डिनेट बोर्ड में, इन हिज पोइट्री वी फाइंड द स्पिरिट ऑफ रिनेशा एज वेल एज रिफॉर्मेशन।
वो कौन से पोएट हैं जिनकी पोइट्री में रिनेशा और रिफॉर्मेशन दोनों का स्पिरिट मिलता है। तो इन हिज पोइट्री वी फाइंड द स्पिरिट ऑफ रिनेशा एज वेल एज रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का भी स्पिरिट मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, उनकी जो पोइट्री है उसमें वी फाइंड व्हाट, वी फाइंड रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, वी फाइंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन रेस या फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, ऑल दीस थिंग्स वी फाइंड। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो उनकी पोइट्री है वह कैसी पोइट्री है, इन हिज पोइट्री, इन हिज पोइट्री वी फाइंड रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, माइंड ही कंपोज्ड पोयम, ही कंपोज्ड पोयम्स एज पैराडाइज लास्ट कामा पैराडाइज रिगेन्ड एंड ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, क्रिस्ट नेटिविटी, वोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। सो यू गेट व्हाट, यू गेट दीज पॉइंट्स, एंड व्हाट आर दीज पॉइंट्स, कि इन हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री में वी फाइंड रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, हम उनकी पोइट्री में रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड पाते हैं, स्पेशली दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है, ही कंपोज्ड पोयम्स एज पैराडाइज लास्ट, उन्होंने पोयम लिखा पैराडाइज लास्ट लिखा, पैराडाइज उन्होंने रिगेन्ड लिखा, एंड ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, इन सब में रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है। और आप देखेंगे कि इन सारी पोयम में जो है या तो जीसस क्रिस्ट के बारे में है या जो है ह्यूमन बींग्स रेस को लेकर के उन्होंने, जैसे फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, इस तरह की चीजें। तो ऑलरेडी जो हम बात कर रहे हैं कि एक तरह से उनका मकसद ये था कि धर्म में भी सुधार हो, जो वास्तविक धर्म है वो लोगों को पता चले, क्योंकि रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था इट वॉज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, की एक आदमी की जो उन्नति है वह केवल भौतिक ही नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। और आध्यात्मिक उन्नति में उस समय बहुत सारी बाधाएं थी, जो चर्च में थे, बिशप थे, उन्होंने एक तरह से धर्म का जो रिलीजियस बुक्स था उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया था। बट राइटिंग पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन, ही टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि वी ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, एंड वंस वी हैव टू कम बैक टू गॉड एंड द पार्टिकुलर वे विच हैज बीन टोल्ड बाय जीसस क्राइस्ट वी हैव टू फॉलो। तो उनका जो विश्वास था क्रिश्चियनिटी में, उसको लेके उन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से इसको बताया कि पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी है, और बाइबिल से भी वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो ये सारी पोयम्स है जहां पे हम क्या देखते हैं, हम इस तरह की चीजों को देखते हैं, वो चीजें रही हैं। और एक चीज है, जॉन मिल्टन के ऊपर एक वर्ड्सवर्थ ने एक सॉनेट लिखा हुआ था, अक्सर करके वो चीज पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, आई थिंक सेवेंथ पॉइंट है, सिक्स, ओके ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अ सॉनेट इंटाइटल्ड, सॉनेट का जो नाम था क्या था,
विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अ सॉनेट इन टाइटल्ड मिल्टन और लंदन 1802। जीरो टू। इट्स अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। इट्स अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। फुल स्टॉप। ही हैज बीन ग्लोरीफाइड। जी एल ओ जी एल ओ आर आई एफ आई ई डी। ही हैज बीन ग्लोरीफाइड फॉर राइटिंग ग्रेट एपिक्स। फॉर राइटिंग ग्रेट एपिक्स। और एक उन्होंने एक लाइन जो यूज किया था, मैं बहुत ज्यादा नहीं, बस एक लाइन, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड बिल्ट अपार्ट। उसमें एक लाइन उन्होंने कहा जो अक्सर करके, दाई सोल वाज दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट एंड ड्वेल्ट अपार्ट। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सो यू विल कम टू नो व्हाट की विलियम वर्ड्सवर्थ रोट अ सॉनेट। उस सॉनेट का क्या नाम था? ही रोट अ सॉनेट जिसका नाम मिल्टन आ लंडन 1802। इट्स अ ट्रिब्यूट, यह एक ट्रिब्यूट है किसके लिए? इट्स अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन, यह मिल्टन के लिए एक ट्रिब्यूट है। ही हैज बीन ग्लोरीफाइड फॉर राइटिंग ग्रेट एपिक्स। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। आई थिंक यू गॉट इट। या व्हेन यू टॉक अबाउट मिल्टन, देखिए ये सब चीजें बहुत सारा लोग कहेंगे कि उसका और भी ऐसा कुछ रहा है, बट मैंने बताया कि वी आर नॉट टॉकिंग हियर मिल्टन एज अ पोएट, वी आर ओनली टॉकिंग हियर मिल्टन जो एक उनका काम थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से होता है, क्योंकि बहुत डिटेल वे में नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जरूरी है जानना। तो अब अगर बात ये आती है कि मिल्टन का और क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली जो हर जगह पूछा जाता है, पॉइंट नंबर आई थिंक 9 होगा ये, मिल्टन, ओ माय गॉड मैं क्यों जो भूल जा रहा हूँ, लग रहा है कि कोरोना का डर सबसे ज्यादा मुझे ही लग रहा है। मिल्टन 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 फर्स्ट वेल नोन पोयम पोयम वॉज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस नेटिविटी। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, सी एच आर आई एस टी, क्रिस नेटिविटी। ही कंपोज्ड इट इट इन 18, सॉरी 18 लिख रहे हैं, 16, इन 1629 एट द एज ऑफ 21 21
एट द एज ऑफ 21 व्हाइल ही वॉज परसुइंग बीए। बीए फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाउ रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स की मिल्टन फर्स्ट वेल नोन पोयम वाज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उनका पहला इंपॉर्टेंट पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी रहा है, जो जीसस क्रिस्ट को लेकर के उन्होंने बात किया है। ही कंपोज इट इन 1629 एट द एज ऑफ 21, क्योंकि 1608 में उनका जन्म हुआ, 1629 में यह पोयम आती है, तो उस समय उनकी उम्र 21 साल की थी। व्हाइल ही वाज परसुइंग बीए फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इस पोयम में उन्होंने क्या किया, ही क्रिटिसाइज्ड पैगन गॉड, दैट विल बी द 9th पॉइंट। इन दिस पोयम ही क्रिटिसाइज्ड पैगन गॉड, PAGON, पैगन गॉड। नाउ 9th पॉइंट। Now the 10th point, now the 10th point which we have to take, एक तो इनका ये फेमस चीज रहा है, दूसरा चीज वी नो इट वेरी वेल कि कल मैंने आपको बताया था कि उनका एक प्रोज वर्क है जो एरियोपैजिटिका के नाम। जी पैगन गॉड का मतलब ये कि जो वर्शिपिंग का अपने अपने ढंग से जो है जो वो था, कि जैसे जो अगर आपको याद होगा, इफ यू हैव गॉन विद द पोयम दैट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय होम, रिटन बाय क्या कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें भी उन्होंने उसको लेकर के बात किया हुआ है। जो जो एक प्रिमिटिव कल्चर था वर्शिपिंग का, प्रिमिटिव कल्चर जो रहा था वर्शिपिंग का, उसको लेकर के उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ, जो पुरानी पद्धति थी पूजा वगैरह का उसको लेकर के। पैगन गॉड। नाउ दूसरा चीज जो है, एक और चीज आता है, वो चीज ये रहा है कि जो जॉन मिल्टन रहे हैं, जॉन मिल्टन ने एक और किताब लिखा था, ऑलरेडी डिस्कस हो ही चुका है, जिसका नाम था एरियोपैजिटिका। एरियोपैजिटिका एरियोपैजिटिका 1644 में हिज प्रोज वर्क। एक कई जगह इतनी बार बताई जा चुकी, मुझे नहीं लगता कि एक अब इसको आपको कोई भूलने की जरूरत है या बार बार डिस्कस करने की जरूरत है। AREOPAGITIC, एरियोपैजिटिका 1644 हिज प्रोज वर्क। सो आई थिंक यू गॉट इट। Now the next point, that is the point number 11. इसके अलावा we know it very well कि at the age of 44 in 1652 he completely became blind. He completely became blind. Blind at the age of 44 in 1652. He tells about it in his sonnet. On his blindness. अब ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक लिखवा दिया गया कि he completely became blind at the age of 44. ये चीज ऐसे पूछा जा चुका है 1652 ईस्वी में। he tells about it in his sonnet on his blindness. वह इसके बारे में किसमें जिक्र करते हैं, on his blindness के बारे में। अब आप देख रहे होंगे मैं हल्की हल्की बातें जो एक इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, जो सारे लोगों के लिए जरूरी है,
वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि पीजीटी में जॉन मिल्टन नहीं है, लेकिन ये चीजें जरूर पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? सॉनेट आपके आपको जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में पढ़ना किसी ना किसी रूप में आता है। एपिक आपको पढ़ना है, वो पैराडाइज लास्ट चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी वाला होगा, उसको पैराडाइज लास्ट पैराडाइज रिटेन के बारे में बात करनी है। तो ये हल्का सा जानकारी सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लेके बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो मुझे सारी स्लाइड डिलीट करनी पड़ेगी, लेट मी नो। या नाउ रिमेम्बर दैट कि अब हम इसके बाद जो बात कर रहे हैं कुछ उनकी और पोयम्स हैं, जैसे ज्यादा नहीं बात है लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत उनकी पोयम्स है। एक उनकी पोयम्स है एल एलिग्रो आई एल पेंसी रोजो, दैट इज द 12th पॉइंट। एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसी रोजो, ये मिल्टन की दो पोयम रही है। इस पोयम को हार्टन पोयम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हार्टन नाम की जगह पे रह करके इसको लिखा था। तो वो तो जब एज अ पोएट डिस्कस करेंगे सब, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि एल इलिग्रो और आई एल पेंसी रोजो का मतलब क्या है। इसका जो मतलब है, इसका साफ मतलब यही है कि जो पहली वाली जो फार्मर पोयम है एल एलिग्रो, उसका मतलब है कि अ पोएट इन हैप्पी मूड। एल एलिग्रो मीन्स अ पोएट इन हैप्पी मूड। अब अगर जो है आप ये समझिए, अगर ऑप्शन में हैप्पी नहीं दिया जॉयफुल दे दिया, तो हैप्पी या जॉयफुल एक ही चीज है, आप उसमें परेशान ना होइएगा हैप्पी शब्द नहीं आया जॉयफुल आ गया है। मतलब एक ऐसा पोएट जो खुशी के मूड में है और पोयम को कंपोज करता है। दूसरा चीज यह पूछा गया कि इस पोयम की जो शुरुआत होती है, इट बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन। एक और पॉइंट, इट बिगिंस विद द राइजिंग ऑफ द सन, द राइजिंग ऑफ द सन। एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो का जो मतलब होता है अ पोएट इन पेंसिव मूड, थॉटफुल मूड, जो थोड़ा सा उदासी में विचारशील हो उसके लिए वो होता है आई एल पेंसिरोजो। रिफर्स टू अ पोएट इन थॉट, THOUGHT, थॉट फुल मूड। आई एल पेंसिरोजो जो रिफर करता है किसको रिफर करता है? अ पोएट इन थॉटफुल मूड, जो पोएट थॉटफुल मूड में है या उसको रिफर करता है। आई एल पेंसिरोजो रिफर्स टू अ पोएट इन थॉटफुल मूड, या किसको रिफर करता है? पोएट इन थॉटफुल मूड को रिफर करता है। और या आप कह सकते हैं पेंसिव मूड, ज्यादातर ऑप्शन जो दिया जाता है थॉटफुल मूड और पेंसिव मूड, PENSIVE, पेंसिव मूड। इट स्टार्स STARTS, इट स्टार्स विद द सेटिंग ऑफ द सन।
इट स्टार्ट्स विद द सेटिंग ऑफ द सन। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ आई थिंक इट वॉज 12th पॉइंट। नाउ 13th पॉइंट। एक उन्होंने क्या किया हुआ है, एलिजी लिखा था जिसका नाम था लिसिडा, पास्टोरल एलिजी। ऑन द डेथ ऑफ हिज बोजम फ्रेंड एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की। सो एक बहुत एक सिंपल सा आपको मैंने लिखा है कि एक उनका नया वर्क है लिसिडास, जो पास्टोरल एलजी का एग्जांपल है, और ये उन्होंने किसके, ऑन द डेथ ऑफ हिज बोजम फ्रेंड एडवर्ड किंग। ये सब कॉमन सा पॉइंट है जो हर आदमी को, अगर कोई पीजीटी वाला कह सकता है कि जो है नो मिल्टन इज नॉट इन माय सिलेबस व्हाई विल आई स्टडी, नो यू हैव टू स्टडी बिकॉज लिसिडास जो एलजी है या फॉर्म्स ऑफ द पोएम का हिस्सा है, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो फॉर्म्स ऑफ द पोएम का हिस्सा है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी फॉर्म्स ऑफ द ओड का वो ओड का हिस्सा है, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन्ड एपिक का हिस्सा है, मिल्टन का एरियोपैजीटिका तो सबके लिए जरूरी है, वो प्रोस में क्यों वो एक उसका मोमेंट, तो हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों सिस्टमेटिक ढंग से उसको आना चाहिए, इसीलिए कि वहां से जब आप कवर करते हैं तो लिटरेचर के सारे एस्पेक्ट को आपको कवर हो जाता है, लिटरेरी टर्म भी कवर हो जाता है, आथर के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, वर्क के बारे में भी, फॉर्म्स एंड मूवमेंट के बारे में भी, स्कूल जो नए नए आए हुए हैं, कैरोलिन स्कूल या कैवालियर स्कूल कब आया, मेटाफिजिकल स्कूल कब आया, इसीलिए हिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। और जो लोग नेट की तैयारी करते हैं उनको लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, बाकी मेरी नजर में अगर कोई ये कहता है नहीं आथर कठिन है तो आथर नहीं कठिन है, आथर में आपको उनके फादर मदर बायोग्राफिकल स्टडी वो सब तो कोई भी कर सकता बहुत आराम से, अगर आपके पास नोट्स है मैटर है कौन कब पैदा हुआ स्कूलिंग क्या हुई आप कर सकते हैं, लेकिन आथर का जो टेक्स्ट है उसके बारे में बात होनी चाहिए ज्यादातर, ना कि आथर की लाइफ पर बात होनी चाहिए। जैसे शेक्सपियर अगर बात होगी तो हैमलेट मैकबेथ किंग लियर, और मैंने बताया कि उसके लाइव लेक्चर्स भी तमाम सारे लेक्चर्स में जो है आपको सब आज मैंने जो कल मैं बहुत देर तक करीब 2 से 2.5 घंटा रात से 12:30 बजे वरना मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद सो जाता हूँ, किसी का कॉल नहीं रिसीव करता हूँ, अचानक मेरे ध्यान में आया कि नहीं कई बार आया जो है रिक्वेस्ट जो मैंने कर नहीं पाया, तो आई डिड दैट थिंग। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू इंजॉय, यू हैव टू गेट सम टाइम टू वॉच दैट वीडियो, टू गो विद दैट वीडियो। बाकी ये क्लास तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, सारे पॉइंट चल रहे हैं, आपने क्या नहीं कवर कर लिया, अभी एक महीने की क्लास में आपने जो है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री कवर कर लिया, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा कवर कर लिया, फॉर्म्स ऑफ नावल कवर कर लिया, आपने काफी कुछ लिटरेरी टर्म को कवर कर लिया, लिटरेरी टर्म मैंने शेयर नहीं किया है, मतलब ये जो रिलेटेड नावल से थे ड्रामा से थे वो सब तो आपने कवर कर लिया, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था वो वीडियोज भी मैं उस पर अटैच कर दूंगा, और आपने जो है हिस्ट्री भी कितना कवर कर लिया, हिस्ट्री एंग्लो सैक्सन कवर किया है, द मिडिल एजेस कवर किया है, एज ऑफ रिवाइवल कवर किए हुए हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, नाउ एज ऑफ जॉन मिल्टन, तो इन दिस वे यू हैव डन, और वो भी इतना लिखते हुए कवर किए हुए, अगर कहीं केवल लेक्चर देना होता तो अभी तक तो ये हो गया होता, तो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से बहुत सुकून के साथ चीजों को समझते हुए चलिए। तो ये चीज रहा है एडवर्ड किंग का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द 13th पॉइंट। इसके अलावा आप देखेंगे कि ओके 14th पॉइंट, मुझे भी लग रहा है कि मेरी उम्र जो है 90 साल से ऊपर हो गई है, इसलिए बहुत नहीं मेमोरी पावर कमजोर हो गई। पैराडाइज लॉस्ट 1667। यू विल कम टू नो कि जो पैराडाइज लास्ट है 1667, ये हम सारे लोग वाकिफ है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक,
ये जो एग्जांपल है मैं एरो बना के कर दे रहा हूँ, इट्स एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक, लिटरेरी एपिक। दूसरा चीज, इट्स बेस्ड ऑन, इट्स बेस्ड ऑन द बाइबल। इट्स बेस्ड ऑन द बाइबल। वर्जिल्स ए नीड वॉज इमिटेटेड टू कंपोज इट। अगर आप देखेंगे कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि या किसका एग्जांपल, एक क्वेश्चन तो यही आता है, ये किसका एग्जांपल है, लिटरेरी एपिक का। और मैं यहाँ पे बता दूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिटरेरी एपिक को दूसरा क्या नाम दिया गया है, सेकेंडरी एपिक। एग्जैक्टली, या लिटरेरी एपिक को सेकेंडरी एपिक भी कहा जाता है। और ये इसका सब्जेक्ट मैटर कहाँ से लिया गया है, बाइबिल से लिया गया है। वर्जिल का जो एनीड है वह दुनिया का पहला लिटरेरी एपिक है, उसी को मॉडल बना करके इसको लिखा गया। वर्जिल्स एनीड वाज इमिटेटेड टू कंपोज इट। इसको कंपोज करने के लिए किसको इमिटेट किया गया, वर्जिल के एनीड को कंपोज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक। इट हैज ग्रैंड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। इट हैज ग्रैंड स्टाइल एंड एलिवेटेड। इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, या किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स में डिवाइड है। इट हैज ग्रैंड स्टाइल और कैसा थॉट है, एलिवेटेड थॉट। इट हैज ग्रैंड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अभी उसी का ही, इट्स थीम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये इसका थीम है। इट सीम्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ईश्वर ने आदमी के प्रति कैसे न्याय किया, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। न्याय का मतलब कि जैसे एडम एंड ईव आर अर्लीस्ट फादर देवर लिविंग इन स्वर्ग आर हिवेन, गॉड सेड दैट यू डोंट हैव टू टेक द टेस्ट ऑफ द फॉरबिडन फ्रूट, बट अल्टीमेटली दे टेस्टेड इट बिकॉज सेटन टेम्प्ट देम, एंड व्हाट हैपेंड, देयर इमॉर्टैलिटी चेंज इन टू मॉर्टैलिटी, एंड सो नो मॉर्टल पीपल कैन लिव इन हेवन, ओनली इमॉर्टल पीपल कैन लिव इन हेवन। सो फॉर दैट थिंग व्हाट हैपेंड, गॉड सेंड देम, वेयर गॉड सेंड देम टू अर्थ एंड सेड दैट यू हैव टू पास सम डेज, आफ्टर पासिंग सम डेज यू विल कम बैक टू मी, एंड अगेन यू कैन गेट द ब्लिसफुल सीट आर दैट हीवनली प्लेस, आर यू कैन एंजॉय द सेम लाइफ इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन आर द पार्टिकुलर रूल विच अल्टीमेटली आई टोल्ड टू द पीपल। मतलब कुल मिला करके जैसे हम सारे लोगों का जो धार्मिक ग्रंथ अपना अपना सब में, उन सब में ये बात जरूर बताई गई है कि ईश्वर ने एक हिदायत दिया है कि अच्छी जिंदगी गुजारने का। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि राम राज्य का कॉन्सेप्ट, तो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे सहिष्णुता, विश्वास, प्रेम, दायित्व,
एक बेटे की जिम्मेदारी, एक भाई की जिम्मेदारी लक्ष्मण या भरत के रूप में, एक पत्नी का जो अपना है, तो जो नेतृत्व की बात है या जो ड्यूटीज की बात है, जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट जो प्लेटो ने सोचा होगा कि यूटोपिया कैसे बन सकता है, तो रामराज्य एक यूटोपिया का कॉन्सेप्ट है, एक आदर्श राज्य कैसे हो सकता है। उस आदर्श राज्य की कल्पना, वो चाहे राम जी के माध्यम से जो है धरती पर आया हो, चाहे कृष्ण जी के माध्यम से, चाहे गौतम बुद्ध जी के माध्यम से आया हो, चाहे जितने जो भी प्रॉफिट्स आए हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ईश्वर ने 1,24,000 प्रॉफिट्स भेजे, प्रॉफिट पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड धरती पर, जिसमें जीसस क्रिस्ट भी है, तमाम लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी धर्म के किसी महान पुरुष को, मतलब जो महान शख्सियतें रही है, उनको कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए कुरान पाक में एक बहुत अच्छी लाइन है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, मतलब ये अरबी में है लेकिन बहुत अच्छी लाइन है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आपका जो ज्ञान है, दीन है, जो धर्म से रिलेटेड, वो आपके साथ है, सामने वाले का सामने के साथ है, आप एक दूसरे को कभी एब्यूज ना करिए, ह्यूमिलिएट ना करिए, बुरा ना करिए। अगर आप नहीं मानते उनके तरीके को तो आप ना मानिए, आप अपने तरीके को मानते हो, अपने तरीके पे चलिए, लेकिन कभी किसी के धर्म को बुरा ना कहिए, क्योंकि हमने जो पैगंबर भेजे किसके धर्म में भेजे हो ये तुम्हें नहीं पता। जो है कौन सी किताबें आसमानी किताबें हैं वो मैंने भेजी है जिंदगी बेहतर बताने के लिए, तो उसके लिए ये कहा गया है। बट वी डोंट नो, और कभी कभार वी फाइंड कि द पीपल एब्यूज ईच अदर आज दिस थिंग, जबकि सबका रास्ता वही है, तरीका अपना लोगों को अलग अलग है, किसी को किसी का तरीका नहीं पसंद है तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना तरीका अपने हिसाब से फॉलो करिए, बट डोंट एब्यूज एनीवन, ये बहुत एक स्ट्रिक्ट लाइन खींची गई है वहां पे जो है। तो एक चीज ये रहा है कि इट्स थीम इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। उसके बाद जो है एक और पॉइंट आता है, उसमें आप देखेंगे कि पैराडाइज रिगेन्ड, इस पे हमें बात करनी, पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज रिगेन्ड जो है ये 1671 में आई है, ये भी आपका लिटरेरी एपिक है, एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक। डिवाइडेड इंटू फोर बुक्स, वो 12 में थी, ये 4 बुक्स में डिवाइडेड इंटू 4 बुक्स। ये भी ब्लैंक वर्स में, बात करने की जरूरत नहीं, बार बार बताया जा चुका, ब्लैंक वर्स में उनका ज्यादातर क्रिएशन रहा है। और इसके अलावा इट्स थीम इज थीम इज टू इस थीम इज द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। इट्स थीम इज द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि ये जो किताब है, एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक। दूसरा चीज, डिवाइडेड इंटू 4 बुक्स है। इट्स थीम इज द टेम्पटेशन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है, इट्स थीम इज द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाई सेटन। सेटन जो है इसमें जीसस क्रिस्ट को टेम्प्ट करता है, लालच देता है, और उसमें किसको, एडम और ईव को दिया हुआ था। नाउ उसके अलावा एक उनका लास्ट वर्क है जो हमें बात करना है, सैमसन एगोनिस्ट, आई थिंक ये 15 जो भी नंबर होगा, सैमसन एगोनिस्ट, AGONISTS, सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट ये इनका प्ले है, दैट इज व्हाट, दैट इज द प्ले ऑफ दिस मैन, सैमसन एगोनिस्ट। और ये भी कब पब्लिश होता है, 1671 में। तो व्हाट, इट्स अ प्ले, इट्स अ ट्रेजिडी,
इट्स अ ट्रेजिडी बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजिडी। ये क्वेश्चन पूछा जाता जा चुका कि कौन से मॉडल पर, ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजिडी, बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजिडी। आई थिंक यू गॉट इट इसमें। और इसका जो हीरो है सैमसन है, कैसे उसका जो है फिलिस्तीन का वह है, और उसके अलावा कैसे और लोग वहां के हैं जो उसको कैद कर लेते हैं, वह एक रेसलर है। इसकी कहानी में बहुत डिटेल में नहीं, चूंकि अभी तो मिल्टन एज अ पोएट स्टडी करना ही है तो उसमें वो नहीं, लेकिन यू विल कम टू नो कि इसके बारे में ये सब चीजें लेकर के बताई गई है कि सैमसन को लेकर के बात किया गया कि हाँ क्या क्या रहा है। तो सैमसन आपका क्या है कि सैमसन एक आपका फिलिस्तीन का एक रेसलर है, और उसको जो कैसे वह एक लड़की के लव में आता है और वह लड़की उसको चीट करती है, कैसे उसके फादर को पनिशमेंट किया जाता है, कैसे इसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। तो इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। तो एक पॉइंट ये भी कि वी फाइंड व्हाट वी फाइंड ऑटो बायोग्राफिकल एलिमेंट एलिमेंट सैमसन इज अ रेसलर, WRESTLER। हियर यू फाइंड कि सैमसन जो है क्या है, सैमसन एक रेसलर है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, इट्स अ ट्रेजिडी बेस्ड ऑन ग्रीक मॉडल ऑफ ट्रेजिडी। तो इन दिस वे वी हैव डन व्हाट वी हैव डन जॉन मिल्टन। और थोड़ा सा 2 मिनट और लेंगे, ज्यादा राइट नहीं, बस 2 मिनट और लेंगे। और इन्होंने जो सॉनेट लिखा है, ये सारे सॉनेट इनके किस पर है, पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित है। ये ध्यान में रखना, इन्होंने शेक्सपियर को नहीं फॉलो किया, सब कुछ इन्होंने, चाहे ट्रेजिडी लिखा तब भी ग्रीक को फॉलो किया, सॉनेट लिखा तो उन्होंने इटालियन या पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट को फॉलो किया। एक और राइटर है जो फेमस है, ये समझना जरूरी है, जॉन बनियान, NYAN। इनका जो जन्म है 1628 में हुआ है, मिल्टन के जन्म के, और 1688 में इनकी मौत हुई है। तो ये प्रोज राइटर है, उस समय के सबसे बड़े प्रोज राइटर है मिल्टन के जमाने के। और इनको इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, वो एक प्यूरिटन प्रोज राइटर थे, और इनको टाइटल दिया गया कि ही इज मिल्टन ऑफ प्रोज। जो पोइट्री में उनका महत्व था, वही जो है जॉन बनियान का उसमें रहा है, मिल्टन ऑफ प्रोज। ही इज नोन एज मिल्टन ऑफ प्रोज, MILTON, मिल्टन ऑफ प्रोज। ही इज नोन एज मिल्टन ऑफ प्रोज। एवरी इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। सो यू विल कम टू नो कि जॉन बनियान 1628 से 1688, इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ही इज नोन एज मिल्टन ऑफ प्रोज। एंड देन यू विल कम टू नो उनको, अगर देखा जाए तो काफी कुछ उनका जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, उनका क्रिएशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो वर्क है, हिज वर्क में एक तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आपका 1678 ईस्वी में आई है, 1678। ये 8 क्लियर हो रहा है कि इरेज कर दे? वन सिक्स सेवन 1678 में। उसके बाद उनका एक और किताब आई थी, द होली वॉर, सोलह सौ 1665 में। एक उनकी तीसरी किताब आई थी, लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन,
मिस्टर बैडमैन 1682 में। कुछ करिएगा या नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द हॉली वार, दो चीज, बाकी और आप कुछ करें या ना करें फिर भी चल जाएगा। बाकी उनको जो टाइटल की एज ऑफ वो मिल प्रोज ऑफ जॉन मिल्टन है, और इवनिंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन है, प्यूरिटन प्रोज राइटर है, ये सारी चीजें तो पता रहनी चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू डिलीट वन आर टू स्लाइड, इफ यू हैव डन इट लेट मी नो। ओके, नाउ एक और राइटर है जो उसी जमाने में आए हुए, जो प्रोज राइटर ही है, रॉबर्ट बर्टन। रॉबर्ट बर्टन का जो टाइमिंग है 1577 से 1640, इनका बस एक वर्क इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, सोलह सौ इक्कीस ईस्वी में आई हुई है, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली 1621 में, ये इनके रॉबर्ट बर्टन के बारे में है। एक और राइटर है, मैं इस स्लाइड को डिलीट कर दे रहा हूं, आइजाक वाल्टन। तो आई हैव डन इट, मैं एक बार आपके ये बता चुका हूं, याद होगा कि प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क्स करके, आइजाक वाल्टन, इनका जन्म 1593 या 1593 में हुआ है, 1683 में इनकी मौत हुई है। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नाम है द कंप्लीट एंगलर। द कंप्लीट एंगलर 1653 में ये वर्क आया हुआ है, द कंप्लीट एंगलर, आइजाक वाल्टन। ये सब मिल्टन के समय के हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि हाँ ये राइटर आए हुए थे। एक बस लास्ट राइटर है, इफ यू हैव डन इट लेट मी डिलीट इट, बस लास्ट राइटर है, दैट इज सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन 1605 से 1682। सर थॉमस ब्राउन का जो समय है वो तो अपनी जगह है कि 1605 से 1682, इनका एक वर्क है जिसका नाम है रिलीजियो मेडिसी। और द रिलीजन ऑफ अ फिजिशियन, सोलह सौ बयालीस। या रिलीजन एंड नहीं, रिलीजन एंड मेडिसिन आई डिडेंट गेट, बट इफ यू सी अगेन इट, अभी चूंकि आपके दिमाग से स्लिप कर रहा है, अगर आप इसको दोबारा देखते हैं ऐसा मिलता है तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट, बिकॉज विदाउट सीइंग द क्वेश्चन एंड ऑप्शन वी कांट से एनीथिंग। जो मुझे जानकारी है वो इतना ही कि रिलीजियो मेडिसिन उनका है, जिसको रिलीजन ऑफ फिजिशियन कहा जाता है, ये उनका वर्क है जो। तो नाउ जस्ट कंक्लूडिंग दिस सेशन, एंड आई थिंक कि व्हाट इज द टाइम,
व्हाट इज दैट? अच्छा ओके, सो नॉट एबल टू टेक एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इन व्हाट्सएप ग्रुप।